हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। तो पिछले पार्ट में हमने कैटरपी को देख लिया था, तो इस पार्ट में हम कैटरपी को पकड़ लेंगे। तो ये गेम एश के जर्नी के ऊपर है, तो हमें इसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप हमारे साथ आएगा। और ये कैटरपी लेवल 4 की है। सामने एक पोकेबॉल पड़ी है, उसे ले लेते हैं। इस पोकेबॉल में से निकला है एंटीडोट, जिसे हमने रख दिया अपने मेडिसिन पॉकेट में, जो कि अपने आप चला गया, रखने की ज़रूरत नहीं, ऐसा सिस्टम है, मतलब गेम है ऐसी। लेवल 5 के कैटरपी है, तो हमें इसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं। तो बेसिकली मैं इसमें वही पोकेमॉन पकड़ूंगा जो एश के पास थे, और वो मुझे मिल भी जाएंगे। मैं मतलब एश की तरह ही खेलने वाला हूँ, और नाम भी एश रखा है, तो थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा। तो एक पोकेमॉन एनकाउंटर हुआ वापस से, और इसमें है पीजीओटो। हमें इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पीजीओटो मिलने वाला है, और वो मुझे लगता है इससे ज़्यादा लेवल का होगा। तो जैसा मैंने कहा था, तो ये गेम पूरी एश के ऊपर है। तो जो पोकेमॉन सीजन 1 यानी इंडिगो लीग के फर्स्ट सीजन में जो भी 3rd एपिसोड में हुआ था, वो सब इस एपिसोड में भी होने वाला है, इस पार्ट में भी। तो उसमें एश को पीजीओटो मिला था, उसने पकड़ लिया था, तो हमें भी मिल गया, हमने भी पकड़ लिया। तो हम थोड़ा उस तरफ चेकअप कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या है उधर। तो वो जो एपिसोड 3rd में हुआ था, वो मैं इसमें भी करने वाला, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाला। इस तरफ कुछ है नहीं, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। इस तरफ ओके, एक और पोकेमॉन एनकाउंटर हुआ। फीडल हमें नहीं चाहिए। तो अगर तुम्हें वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है, तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो ये मुझे लगता है वही, कौन था अपना, कोई तो था जिसके साथ लेजेंडरी बैटल हुई थी एश की, मेटापॉड वर्सेस मेटापॉड की, निंजा या फिर कोई था, चलो कुछ भी हो। तो ककुना को हमने डिफीट कर दिया। ऐसे ककुना कुछ नहीं था, बस हार्ड नहीं आता है उसे, इतना कुछ खास नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है जो ऊपर है, अभी दिख रहा है कुछ। जो भी हो, हमें नेक्स्ट एपिसोड में उससे बैटल करनी है। इस एपिसोड में बस इतना ही होगा। तो हमने 2 पोकेमॉन पकड़ लिए हैं। तो इसी एपिसोड में, अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो कोई नहीं, अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि एश की कैटरपी इवॉल्व हो गई थी मेटापॉड में, तो हम भी इवॉल्व करने की कोशिश करेंगे कैटरपी को मेटापॉड में। तो फिर वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो इंटरेस्टिंग हो तो लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ये मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, क्योंकि 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और बस वीडियो देख के चले जाते हैं। तो फिर ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहेगा, तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको नहीं पता कि इस गेम को अपने एंड्रॉयड डिवाइस में कैसे खेलना है, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो हमें यहाँ पे एक एंटीडॉट मिला है, हम इसे उठा लेंगे। तो मैं अपने कैटरपी को लेवल अप कर रहा था, उसकी एक क्लिप है, देख लेना। तो सामने ककुना था, और मैंने सिंपली सिर्फ टैकल ही किया सब में, बार बार टैकल करते गए, और मुझे इस गेम की नई बात पता चली। आपको अगर आपने किसी का गेम प्ले देखा होगा तो पता होगा, लेकिन मुझे नई बात पता चली, क्योंकि मैं पहली बार खेल रहा हूँ एक्चुअली इसको। तो मुझे नई बात पता चली कि बार बार अटैक कर रहा हूँ मैं, और सामने वाला पोकेमॉन अटैक ही नहीं कर रहा। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर क्या पता ये गेम ही ऐसी हो। मुझे कमेंट कर देना अगर आपको पता हो तो। आप खुद भी इस बात को नोटिस कर सकते हो कि गेम प्ले देख के, कि मैं अटैक कर ही जा रहा हूँ, सामने वाला पोकेमॉन को अटैक करने का चांस ही नहीं मिल रहा। क्या पता, अभी मुझे इतना कुछ पता नहीं है, आप कमेंट करके हेल्प कर देना। तो फिर बार बार हमारे अटैक चलते जा रहे थे, मेरा कैटरपी धीरे धीरे लेवल अप हो रहा था और होते जा रहा था। तो फिर उसे लेवल अप करते करते फाइनली मेरे कैटरपी का और ककुना का लास्ट बैटल हुआ, जिसमें मेरी कैटरपी लेवल 7 की हो गई। टैकल अटैक यूज़ कर करके उसे डिफीट करके लेवल 7 की हुई, और इवॉल्व हो रही है फाइनली, देख लो। व्हाट, कैटरपी इज इवॉल्विंग मेटापॉड में। हमारी कैटरपी मेटापॉड में इवॉल्व हो चुकी है, और उसने हार्डन भी सीख लिया है। तो फिर आज के पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में हम इस समुराई से बैटल करेंगे। एंड फिर बाय, पीस आउट।